वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। संगत नू बेनती है, बेनती है संगत नू, कोई नहीं आप सांझे सांझे हल कर लांगे। एक करी बह जाओ बह जाओ बह जाओ, दो चार दिन दिया गल करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, संगत सारी बह दे, चार वजन वाले आ, पर साढ़े मैनू लगता चार हजे नहीं बजने। बह जाओ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बहुत सोहना प्रोग्राम चल रहा, आप दीप बाई दचारा सुनिया लखे दिया सुनिया, पर शांति का मिल भाई मुद्दा ना बनाओ कोई इतने कते ना हो। अज की अपनी रोस रैली भंग करने वास्ते जारिशा सी कामयाब हो जाए। बेनती है बाई जी बन के जे तुम इस मंच न प्यार करते हो तो बह लो, जे तुम वाकई किसानों के हमदर्दी है तो बह लो, प्लीज बह लो। बेनती है साड़ी, हथ बन के बेनती करते हैं जी, बह लो प्लीज। दीप जी विचार सुनो। वाहगुरु जी का खालसा जी। संगत जीओ संगत जीओ, फतेह बुलाइए तो फतेह की सांझ आए पवे, भी सानू पता लगे इस धरने चो फतेह की जिहड़ी गूंज वो कित्थों तक जांदी आ। वाहिगुरु जी का खालसा, जिउंदे वसदे रहो जी। सत श्री अकाल। मैं बोलना तो कुछ होर सी, पर हुण शुरू आए करदे आं। भजन वाले नूं धरती चाहीदी हुंदी आ ते उड्डण वाले नूं आसमान, ते सानू इह दोवें चाहीदे आ। इह जिवें भी मिलणगे जिथे भी मिलणगे असीं छड्डणे थोड़ी आ। सो इह सप्प दी खाडा छुपिआ, इत्थे सप्प ही वड़ सकदा ते सप्प ही निकल सकदा। चूहे चकचुंदरां विच वड़ता जांदे ने पर निकल नहीं सकते। सो किहड़े मोदी माती अड़के साडे अगे की अड़नगे, जिथे आ जज्बा जिथे आ सोच बैठी आ। हुण हुण मैं जिवें कहा मैं बोलूंगा तो कुछ होर सी, शुरू फिर आपां संतां तों ही करदे आ। संत जरनैल सिंह भिंडर वाले साडे महान शहीद, क्योंकि इह सानूं डराउंदे आ कि तुसीं उहनां शहीदां दा नाम, तुसीं आपदे गुरुआं दा नाम, उहनां दा फलसफा, उहनां दे सिधांतां दी गल ना करो। इह डराउंदे आ, इहनां नूं पता जे उहनां दी गल करनगे इहनां ने सानूं जिउण नहीं देणा। मुड़ के साडियां सरदारियां जिहड़ा अज सरकार समझ रही है ना कि सभ्याचारक आर्थिक ते समाजिक सरदारी दिल्ली दी होवे ते पंजाब नहीं बर्दाश्त कर सकदा। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਥੇਰੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦਾ ਬਾਗੀ ਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਪੁਣਾ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗਦੀ ਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਖੜੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਰਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗੀ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਚਿਣਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਕਿਸੇ
आप दिया साशियां दी तो रख लेंगे पर असीं गुलामी कदे प्रवान नहीं करते प्रवान करा के दिखा दे जिहड़े नवे कानून आए आ इह कल्ला आर्थिकता दी गल हुंदी कल्ली एमएसपी दी गल हुंदी तां मैं तां नहीं इत्थे आउंदा सी पर ना तुसीं आउंदे सी पर गल साडी होंद ते आ गई आ होंद की जो गल करते हैं साडा सभ्याचार साडा इतिहास साडा फलसफा साडी मां बोली साडे पाणी साडी होंद तां साडी धरती ते पई है ना साडी सियासत भी साडी धरती नाल जुड़ी हुई है सो जे असीं आपणी होंद की गल करते हैं फिर जिन्हां दीआं जमीरां जागदियां अगले आके पतंदर खड़े हो जाते भी आ जाओ भाई भाई दैन वाण इको जी है हम कोई नहीं थोड़े को बथेरी पावर होगी पर जिहड़ा जज्बा असीं आपके अंदर जिहड़ी चिणग आपके अंदर लई बैठे हाँ वह कित्थों कढ़ोगे सो गल आ गई है साडी होंद की हुण पंजाब अज जिथे खड़ा तुसीं देखो जिहड़ी सरकार नाल असीं मत्था लाई बैठे हाँ उन्हां दा हंकार उन्हां दी एरोगेंस देखी उन्हां च एडा वड्डी मैं देखो तुसीं अज तो पहला सरकारां जदों तक कांग्रेस दा राज रहा गल ओह वी ओही करदे सी आपदी सरदारी सभ्याचारक सरदारी वास्ते भी समाजिक ते आर्थिक सरदारी वास्ते भी पर ओह इन्ने खुले रूप च नहीं करदे सी इन्होंने तो जमा पारकेट रूप से हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा तो हिंदू राष्ट्र का आपका ज जो इन्होंने बनाने का आपके अंदर जिदधारी बैठे आज सामने रखते इन्होंने सामने रखती हम सेध कितों लेंगे सेध लेंगे इन्हों लगता जो अमरीका मुल्क के मुल्क तबाह कर सकता जे चाइना तिब्बत की तिब्बत के सारी जमहूरियत या उन्होंने जेडे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ले सकते हैं जे इजराइल उत्थे बैठा जुलम ते जबर कर सकता गरीबां ते ते नाल लगदे मुल्कां ते ते असीं क्यों नहीं कर सकते इन्हां दी सेध उत्थों आउंदी आ क्योंकि अज जिहड़ी पूरे वर्ल्ड च दुनिया च इक जियोपोलिटिक्स आ उहदे च जिहड़ी इक लहर उठी हुई है जिहनूं आपां अथॉरिटेरियन सिस्टम या इहनूं कह लो कॉन्जरवेटिव इक लहर उठी हुई आ इहनूं लगदा वी सानूं तां हुण राज मिलिया असीं इहदे नाल हुण 25-30 साल जदों तक असीं आपदा हिंदू राष्ट्र नहीं बना लेंगे सानूं तां मौका ही हुण मिलिया पहला तो मौका ही है नहीं सी साडे कोल असीं तां पहलां मार्जिनलाइज होए रहे पहला तो असीं इक कॉर्नर च धक्के रहे कांग्रेस ने सानूं कदे आउण ही नहीं दित्ता पर हुण मिलिया सानूं मौका ते इस करके जिहड़ी ओह एरोगेंस आ कल चीफ मिनिस्टर पंजाब दा गया आपदे काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स नूं लै के एमएलएआं नूं लै के उत्थे गया ते राष्ट्रपति उहनूं मिले ना ये गल एडी जलाल तो उदू पहला साड़ी किसान जथेबंदियां दे लीडर गए उन्हां नूं किवें जलील कीता इन्हां ने क्यों ये समझदे ही कुछ नहीं किसे ये तो ऐ मन्नी पई आ भी कोई नहीं पंजाब उठिया आ बैठे आ लोग सड़कां ते इन्हां नूं तो जदों मर्जी ढालांगे असीं इन्हां नूं जदों असीं ढोणा होवे चाहे मिलटरी ला दईए चाहे आपदी पैरामिलटरी फोर्सिस भेज दईए पुलिस वालिआं नूं कह दईए इन्हां दे भरावांगे डंडे ते इन्हां ने वर जाणा घरे ये सानूं उवें मिथ लैंदे आ जिवें बाकी सूबिआं दा कोई अंदोलन उठिआ होवे ते उवें ही असीं बैठे होईए इत्थे ही गलती कर जांदे पंजाब अज तक गोलियां तों डंडिआं तों डरिआ कि डरदे आ असीं तो मैं इस करके नहीं कहिंदा कि ट्राली ते स्टेज ते खड़े आ जिथे मर्जी खड़ा लो इतने जरा इतने एक रूह खड़ी है पुछ लो भी डरते हैं सानू डरा लेंगे सो गल जो साड़ी होंद ते आ साडे गलमियां नू हाथ पालिया फिर नहीं साडे तों टिकिया जांदा सानू गुलामी गुलामी की हुंदी है गुलामी का एहसास जो अंदर आते असीं आपे प्रवान करते और गुलामी उदों साडे सामने आउंदी आ जदों असीं आपदे फैसले लैण दा साडे कोले हक साडे कोले ना होवे संत जरनैल सिंह पिंडराला दी गल क्यों नहीं कर दिंदे इहनूं सोचिए तां सही उहनां नूं पता भी इह उहनां शहीदां तों जे सेध लैणगे प्रेरणा लैणगे इहनां ने फिर साडे अगेंस्ट उठ के खड़े हो जाणा होर तां कोई गल नहीं तुसीं देखो जलियांवाले बाग दी एडा वड्डा साका होया 1947 तक उत्थे असीं कोई याद नहीं बना सके जिहड़ी याद बनी ओह 1947 तों बाद बनी क्यों क्योंकि उस वेले दी सरकार नूं इह पता सी जे इन्हां ने याद बना ली तो ओह याद तों इह प्रेरणा ते सेध लैणगे इन्हां ने साडे खिलाफ उठ के खड़े हो जाणा अज जे संतां दी गल करदे आ गल उत्थे ही आ जांदी आ
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਕੌਮ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਲੜੂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲੜੂਗੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਹ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਮਰੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਜ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ 100 ਕੋਲੇ ਪੈਣਗੇ ਤੂੰ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਮ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕੇ ਸੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਪੀਰੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਕਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਟੀਚਾ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਪਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਲਏ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਟ ਇਹ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ
संघर्ष की है, इहदा सिद्धांत की है, लोगों को पता होना चाहिए, सानू पता होना चाहिए। जे सानू पता होगा कल नू कोई आगू साडा किते विकिया, किसे ते दबा पिया, किसे लालच आया, असीं अगले नू बेनकाब करन जोगे रहिंदे आ। पहला असं उन्होंने पिछे लग रहे और साढ़े को आगू ही है नहीं। अज तक पंजाब उस अकाल पुरख की सियासत खड़ी नहीं कर सकिया। असं जिन्होंने आदि सियासत मनी बैठे हाँ, चाहे वह अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कदे उन्होंने पंजाब की सियासत की है? जे की होंगी तो अज मुख्यमंत्री साहब इतने बैठे होंगे, उन्होंने ये गल कहनी सी अस्तीफे जेब की गल नहीं है, मेरे पंजाब से तुम बढ़ के दिखाओ, मैं विधानसभा मता पाना, तुम पंजाब से लागू करके दिखाओ आ जो तीन नवे कानून। सानू आगू वह चाहिए जो वोटा भी राजनीति के नाल नाल संघर्ष की राजनीति भी कर सके। क्यों? क्योंकि असं दिल्ली सरकार के नाल मत्था लाई बैठे हैं, लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार नाल, ते साडे कोल आपकी कोई सियासी धेरी नहीं है। 73 साल असं अज तक कोई आपकी सियासी धेरी नहीं खड़ी कर सके। अज लोड़ है पंजाब के लोगों को, और तुम ये ना कहो चौथा फ्रंट खड़ा होगा, अज लोड़ है तुम्हें, क्योंकि इतने नहीं गल मुखनी, अरे होर बथेरे संघर्ष लड़ने पैने हैं, तो पोलीटिकल स्ट्रगल है, ये समझ लो। जो पोलीटिकल स्ट्रगल आ तो पोलीटिकल स्ट्रगल कोई पोलीटिकल धेरी लड़ सकती होंगी है, उस खिते की पोलीटिकल धेर साढ़े को खिते की पोलीटिकल धेरी नहीं है, कट लो आप जो कट सकते हो। मैं तो नहीं चुनाव लड़न आया, पर मैं इनिया गल् जिनी मेरी समझ है उस हिसाब न कर सकते हैं। उस बाद आप रल मिल के माथन करिए, ब्रेन स्ट्रॉम करिए, नवी कोई एक सियासत। तुम देखो पंजाब च साढ़े किसी के दो किले भी होंगे पिंड च, वो दो किले वाला भी पंची सरपंची नंबरदार पटवारी वो एक सियासत जुड़ी होंगी है, वो तो जो दो चार किले भी चले जाते हैं वो सियासती हो के ले जाते हैं। ये होया किवें होया? मोहाली एयरपोर्ट बनया, उत्थे एक्वायर की किसानों की जमीन, सारी सारी जमीन एक्वायर कर ली, पर वो किसान भी अच्छे साढ़े नाल बैठे धरनिया के मोर्चिया बैठे आ, शंभू भी आए। मैं उन्होंने पूछे तुम क्यों थोड़े को जमीन ही है नहीं? कहते यार साड़ी सियासती लै गए नाल, सानू पता ही नहीं, साड़ी जिंदगी लै गए नाल, कल्ली जमीन एक्वायर नहीं हुई, साड़ी जिंदगी साडा जिउण दा जिहड़ा इक ढंग सी इक ढांचा सी उही नाल चला गया। सो जे अज नवे कानून बने आ, इस सिंपल जी धारणा समझने वाली कि जो साढ़े तो कारपोरेट कंपनियां आके साड़ी जमीन साड़ी धरती साढ़े तो ले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, सानू दसणगे की बीजना की तुसी वढ़ना, तो साड़ी सियासत साड़ियां रवायतां साडा सभ्याचार सब कुछ याद रखो। सो इस करके पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहा। सो गल कली एम एस पी की नहीं है, गल साडी सभ्याचार होंद की है, साडी समाजिक होंद की। सो जदों आपकी होंद की लड़ाई लड़ते हैं उदों का फिर नेचर ते उदों आप पदार्थवाद में मेरा यार मेरे को कार आओ ना कि घुस जाए, मेरा घर ना घुस जाए, ये चीज़ा का छड़निया पैदा, ये तो उत्ते उठ के लड़ाइया लड़निया पैदा। कला जज्बा नहीं, जज्बे के नाल सेध नाल लीडरशिप, ये गल्ला बहुत जरूरी है। अच्छ सानू लोड़ आ 73 साल, क्योंकि साढ़े को एक पंजाब पक्षी एग्रीकल्चर मॉडल साडा किसानी नाल संबंधित लाहेवंद मॉडल पंजाब का हुंदा सी। 1849 तक साढ़े को मॉडल रहा, 1849 तो बाद सरकार आ गई अंग्रेजा की, उन्होंने आपके हिसाब नाल सानू मॉडल दिता किसानी का, उस तो बाद दिल्ली की हुकूमत आ गई उन्होंने आपके हिसाब नाल दिता। 73 साल पंजाब पंजाब पक्षी पंजाब केंद्रित किसानी का मॉडल ही नहीं कढ सकिया। अज सानू अगे कहन किधर नू जाइए, हम सारा का सवाल लोगों जगा कली बहुती गल नहीं होंगी, जगा के मुड़के अगले पासे किसी सीध ना दो बड़ी माड़ी गल, मुड़के लोगों पता ही ना लगे किधर नू तुर गए। सो अज लोड़ यह आ कि जोड़ा कुछ 73 साल नहीं होया वो हूँ करिए, पंजाब केंद्रित खेतीबाड़ी मॉडल असी क्रिएट करिए, पैदा करिए, आपके एग्रो इकोनोमिस्ट को बिठाइए, वो खेतीबाड़ी माहिर बिठाइए, साइंटिस्टा बिठाइए, साड़ी लीडरशिप को बिठाइए, इंटलैक्चुअल बुद्धि बुद्धिजीवियों बिठा के पंजाब केंद्रित खेतीबाड़ी मॉडल पैदा करिए,